Hello students, welcome to the channel Entrance Exam Guide. So friends, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एल्यूमेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। आज हम इस वीडियो में एल्यूमेट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, लाइक ये एंट्रेंस एग्जाम किस लिए कंडक्ट करवाया जाता है, इसका जो मेन एम मेन पर्पस क्या है, इस एग्जाम को अगर आप क्लियर करके क्वालिफाई करते हैं तो कौन से कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, एडवांटेजेस क्या रहेगा आपको, साथ ही साथ आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन से सेटिस्फाई करनी होगी, एग्जाम पैटर्न क्या, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक चीज फुल डिटेल में आपको जो है इस वीडियो में बता दी जाएगी। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर कीजिए आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया रहेगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे भी दबा के रखिए, ताकि अगर आगे हम इसके रिगार्डिंग कोई भी नया अपडेट लाते हैं, कोई भी आपको जो वीडियो बनाते हैं इस लखनऊ यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, तो आपको अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एल्यूमेट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में और डिटेल में जानना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्यूमेट का जो है फुल फॉर्म क्या है। सो फ्रेंड्स, एल्यूमेट स्टैंड फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एल्यूमेट के नाम से जानते हैं। उसी के साथ गाइस, ये जो एल्यूमेट का एंट्रेंस एग्जाम है, एक यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि कंडक्ट किया जाता है लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा ही, ये एंट्रेंस एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाता है। अब गाइस, अगर आप ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप लोगों को गाइस एमबीए के कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है, टोटल 9 डिसिप्लिन्स में, लाइक एमबीए रेगुलर, एमबीए फाइनेंस, एमबीए सेल्फ फाइनेंसिंग, एमबीए मार्केटिंग, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस एक्सेट्रा, और कई इस तरह के 9 टोटल अलग अलग डिसिप्लिन्स है जिसमें आपको एमबीए में जो है आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन तभी ले सकते हैं जब आपने एल्यूमेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करके क्वालिफाई किया होगा। अब गाइस, इस एंट्रेंस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपका क्लियर करके सेटिस्फाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी, वरना आप लोगों को एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। सो गाइस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले आप जो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रहनी चाहिए, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ रहना चाहिए, विथ मिनिमम 50% अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, और अगर आप रिजर्व कास्ट से बिलोंग करते हैं तो 45% जो आपका मिनिमम परसेंटेज दे दिया है यहाँ पे। उसी के साथ गाइस, यहाँ पे जो है अगर आपके पास कैट का स्कोर कार्ड है, यानी कि अगर आपने कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट का एंट्रेंस एग्जाम पहले दे चुके हैं, उसका स्कोर कार्ड आपके पास है, तो आप जो है डायरेक्टली गाइस इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ एग्जाम होने के बाद गाइस, एंट्रेंस एग्जाम आपका एक बार जब हो जाता है तो उसके बाद आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू पीआई राउंड भी कंडक्ट किया जाता है, उसके बाद आपको जो एडमिशन दिया जाएगा। अपने एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो गाइस, इसके जो एग्जाम है ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि पेन पेपर बेस्ड आप लोगों का एग्जाम लिया जाता है। उसी के साथ गाइस, टोटल 90 मिनट्स आपको अलॉट किए जाएंगे, 90 मिनट्स आपको जो पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, एग्जैक्ट इतने ही अलॉटेड टाइम में आपको जो पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट, आपके जो क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन जो एमसीक्यू टाइप रहेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन दे जाएंगे, चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे आपको सिंपली उस एक पर्टिकुलर ऑप्शन को जो है टिक करना होगा। अब गाइस, बात करें मार्किंग स्कीम की, तो हर एक सही आंसर पे आपको 3 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे और हर एक गलत आंसर पे आपका 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे गाइस जो है 1 मार्क्स की जो है नेगेटिव मार्किंग है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि अभी आप लोगों का एल्यूमेट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हर एक डाउट क्लियर हो गया रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट है या और कोई डिटेल्स आपको जाननी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुई हो, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।